हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं द लास्ट लीफ के बारे में। यार बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, मतलब देखकर दिल ही खुश हो जाएगा। चलो इस चैप्टर को फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सू और जॉन्सी से। सू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट होती हैं जो कि एक साथ एक स्मॉल फ्लैट के अंदर, एक छोटे से फ्लैट के अंदर रहा करती थी जो कि थर्ड फ्लोर पे था। थर्ड फ्लोर पर एक पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर, एक छोटे से फ्लैट के अंदर वो दोनों एक साथ रहा करती थी। जॉन्सी थी, उसको निमोनिया हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो बीमार हो जाती है नवंबर के समय। जॉन्सी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन के अंदर थी। सू उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी, तो वो उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसको ये बोलता है कि इसके ऊपर, जॉन्सी के ऊपर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करने वाली, क्योंकि उसने जीने की इच्छा ही खो दी है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर सू थोड़ा सा बैड फील करती है और उसको लगता है कि मेरे को इसकी हेल्प करनी चाहिए जॉन्सी की, कि फिर दोबारा उसके अंदर जीने की इच्छा आए। सू ट्राई करती है जॉन्सी को खुश करने के लिए, उसका इंटरेस्ट भटकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट लाने के लिए नई नई चीज़ों में। उसका मतलब जो अभी कंटिन्यूसली माइंड एक चीज़ पे अड़ा हुआ था कि मैं तो मर जाऊंगी, उस चीज़ से डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, उसका दिमाग बदलने की कोशिश करती है। वो उससे कपड़ों के बारे में बात करती है, फैशन के बारे में बात करती है, और एक ड्राइंग बोर्ड भी ले आती है उसके कमरे के अंदर, जिस पर जॉन्सी को वो विसिल बजाते बजाते कुछ ड्राइंग्स बना दिखाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जॉन्सी के जो दिमाग की स्ट्रेंज चीज़ उसके दिमाग के अंदर बैठी हुई थी वो ये थी कि उनके घर के बाहर, उनके फ्लैट के बाहर ही एक आईवी क्रीपर का पेड़ था। उस पेड़ पे जो पत्तियाँ थी वो झड़ रही थी, क्योंकि पतझड़ का सीज़न था, वो ऑटम का सीज़न था। तो जो हमारी जॉन्सी थी वो उन पत्तियों को गिना करती थी और उसको ये लगता था कि जब इस पेड़ की सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी वैसे ही मेरी मौत हो जाएगी। जैसे ही इसकी लास्ट लीफ गिरेगी, इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी, वैसे ही मेरी मौत हो जाएगी और ये 3 दिन के अंदर होने वाला है। ये बहम उसके दिमाग के अंदर बैठ गया था। तो सू जो होती है, सू बोलती है कि ये सब जो है ये तुम्हारे दिमाग का फालतू का बहम है और इन सब चीज़ों को मत सोचो। लेकिन जॉन्सी फिर भी इन सब चीज़ों को सोचती रहती है, उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सू मिलती है बैरमैन से। बैरमैन क्या होता है, एक ओल्ड पेंटर होता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे, उन्हीं के घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे रहा करता था। वो 60 ईयर ओल्ड था और उसका ये सपना था कि एक दिन मैं ऐसा मास्टरपीस बनाऊं कि पूरी दुनिया देखे और उसके जितना सक्सेसफुल कोई भी मास्टरपीस ना हो पाए। तो सू जो होती है वो बैरमैन को पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है जॉन्सी जिसकी तबीयत ख़राब है, वो ऐसा सोचती है कि अगर पेड़ की आखिरी पत्ती गिर गई आईवी क्रीपर की तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये दोनों ही जाते हैं जॉन्सी के रूम के अंदर और देखते हैं कि जॉन्सी सो रही थी, और तभी इन लोगों को देखने को मिलता है कि जो आईवी क्रीपर की आखिरी पत्ती थी वो गिर चुकी थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इस वजह से वो आखिरी पत्ती भी गिर चुकी थी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होना स्टार्ट हो जाता है कि जो जॉन्सी होती है जब वो उठ के देखती है एक घंटे बाद, थोड़ी देर के बाद, तो वो देखती है कि जो पत्ती होती है वो वैसी की वैसी ही होती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा होता, वो सेम टू सेम ऐसी लगती है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल न्यू पत्ती की तरह। तो वो उसको देखती रहती है और वो उसको है ना थोड़ी सी, उसको देख के, पत्ती को देखकर उसको थोड़ा सा मोटिवेशन सी आती है, उसको लगता है, वो मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाती है, उसको लगता है कि अब जैसे ये पत्ती हरी भरी होगी मेरी भी ज़िंदगी हरी भरी हो जाएगी और मैं भी अब सर्वाइव कर लूँगी। जॉन्सी को अब थोड़ी देर में एहसास होने लग जाता है कि जो भी वो ये सारी चीज़ें सोच रही थी वो फालतू की बकवास थी, वो फालतू की मिथ थी। और वो अपनी फ्रेंड को याद करती है, बुलाती है सू को और बोलती है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और आई होप ऐसा मैं बाद में कभी ना करूं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सू जो होती है वो जॉन्सी को बताती है बैरमैन के बारे में। जब जॉन्सी को बताना स्टार्ट करती है तब वो ये बताती है कि 2 दिन से बैरमैन बीमार हुआ पड़ा था और वो गार्ड के, जो गार्ड है उनकी, जो फ्लैट था, जो उनके हाउस था, उनका जो गार्ड था उसको बैरमैन मिला था उसके बेड के अंदर, जिसमें उसके पूरे कपड़े और जो उसके जूते थे वो गीले हुए पड़े थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से बैरमैन कपा रहा था अपने बेड के अंदर लेटे लेटे। और उसी रात को, जिस टाइम पे ये बारिश हुई थी, उस रात की बात है ये,
और पता चलता है कि वो जो लास्ट पत्ती थी, जो लास्ट पत्ती जिसको जॉन्सी देखकर मोटिवेट हो रही थी, जो लास्ट लीफ थी जिसको जॉन्सी देखकर बहुत खुश हो रही थी, वो उसी ने बनाई थी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मतलब दिल को छू जाती है। और ये पता चलता है बाद में कि जो बैनमैन होता है उसको निमोनिया हो गया था और वो मर गया था। उसकी डेथ इस वजह से हो गई थी क्योंकि उसने जो वो पत्ती ड्रॉ करी थी बारिश के अंदर, तो उसको बारिश के अंदर ठंड लगने की वजह से निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो इस वजह से फिर सू उसको बोलती है जॉन्सी को कि तुम्हें पता चला, इस वजह से वो जो लास्ट की पत्ती थी वो टस से मस नहीं हुई, उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो बैरमैन था उसका वो मास्टरपीस जो लास्ट लीफ था, उसने कैसे एक लड़की की जान बचा दी, ये हमें देखकर समझ में आता है। और उसने उस पत्ती को उसी रात बनाया था जिस रात वो पत्ती गिर गई थी। तो ये सारी चीज़ें सुनकर हम लोगों को पता चलता है कि कितना अमेजिंग ये चैप्टर है, कितनी अमेजिंग ये स्टोरी है। और हमें कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं, सुसाइडल थॉट्स कभी नहीं लाने चाहिए दिमाग में। ज़िंदगी इतनी मज़ेदार है, इतनी हसीन है, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने वालों की ज़िंदगी और भी मज़ेदार हो जाएगी। अभी का ऑफर, तुरंत ऑफर, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।